अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सीमी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड एंड ब्यूटी। मैं आपके साथ हाई कवरेज ब्राइडल बेस जो है वो शेयर करने वाली हूं। तो चलें फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम अपनी ब्राइडल बेस कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसे अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ कर लें। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स ये यूज़ करूँगी किस ब्यूटी का ये प्राइमर। ये सिलिकॉन प्राइमर है और फ्रेंड्स ये बहुत ऑसम है, इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार है। देखें, इसकी मैंने ये माइनर सी क्वांटिटी ली और ये स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को एक बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर देता है। देखें फ्रेंड्स, एक मिनट से पहले भी ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। सेकंड पे फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे ये लॉरियल की आइडियल बैलेंस बेस। तो यहाँ पे देखें, हम इसकी ये माइनर सी क्वांटिटी लेंगे। जस्ट बेस की जो है माइनर सी क्वांटिटी ली है, लेकिन देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस कदर ज़्यादा है। आप इसको यूं ये टैपिंग मोशन में जो है ये टैप टैप करके तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे हाथ की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। हाथ से फ्रेंड्स ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से, इवन कि आप अपने स्पॉन्ज से या ब्रश से, जो भी आपको ईजी लगे, जिससे कैरी करना आपको आसान लगे, तो आप उससे अपनी बेस को सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखें, जस्ट मैंने बेस अप्लाई की है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। अपनी बेस को मज़ीद बेटर करने के लिए हम अपना ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। ये ट्विन केक है, इसमें ये एक शिमरी शेड है और ये जो है ये इसमें मैट शेड है। मैं इसमें ये मैट शेड यूज़ करूँगी। देखें, इसको भी हम टैपिंग मोशन में जो है वो अप्लाई करेंगे। इसकी ज़्यादा हमने क्वान्टिटी नहीं लेनी, जस्ट हमने इसे यूँ टैपिंग मोशन में अप्लाई करना है ताकि ये हमारी जो बेस है ये उसे लॉक कर दे। तो फ्रेंड्स, हमने क्योंकि हाई कवरेज जो है, फुल हाई कवरेज बेस जो है वो अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैक की ग्लोइट। फ्रेंड्स ये मिनरल पाउडर फाउंडेशन है और ये वाटरप्रूफ है। इसमें मैं इसका शेड ले रही हूँ आइवरी। तो चलें फ्रेंड्स, इसको इससे अपनी बेस को हम प्रिपेयर करते हैं। पैक खोलने पर हमें ये एक जार मिलता है और इसमें पाउडर फॉर्म में ये हमारे पास मिनरल बेस है। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे। इसको प्रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स हम एक ये खाली जो है वो बाउल लेंगे। उसमें हम इसकी ये बिल्कुल माइनर सी जो क्वांटिटी है ये लेंगे। ये देखें, जस्ट फ्रेंड्स हमने अपनी मैक की मिनरल बेस की इतनी सी क्वांटिटी ली है। हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे तो इसकी पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, हमने इसे बिल्कुल एक रनी फॉर्म में रखना है। ये देखें, इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी नहीं रखनी। हमारी बेस रेडी है तो चलें इसे अप्लाई करते हैं। देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल एक पेंट की तरह ये आपकी स्किन पे अप्लाई हो जाती है। बेस हमारी अप्लाई हो गई है। अब मैं इसे तकरीबन दो तीन मिनट तक इसे मैं ड्राई होने दूंगी। बेस हमारी जो है वो ड्राई हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हम एक ये सिंपल जो है अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके तो हम इसे थोड़ी सी रबिंग मोशन में जो है इसको ये नीट करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बेस जो है ना और इसके कहीं पे भी पैचेस जो हैं वो हमें मतलब नज़र ना आए, वो इक्वल हो जाएं। फ्रेंड जो एक्स्ट्रा बेस थी वो हमारी डस्ट आउट हो गई है। जितनी बेस की हमें ज़रूरत थी वो हमारी स्किन पे अप्लाई हो चुकी है। फ्रेंड्स इसे मज़ीद लॉक करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे मैक का लूज़ पाउडर। इसमें ये शेड है मेरे पास 2। फ्रेंड्स देखें, मैंने ब्रश के साथ माइनर सी इसकी क्वांटिटी ली है लूज़ पाउडर की और मैंने स्प्रेड कर लिया है। जस्ट हमें सिर्फ इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत थी। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी बेस जो है ये रेडी है। आप इसे माइनर सा शिमरी जो है वो लुक भी दे सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आप अपने ये किसी भी आप अपना लूज़ पाउडर जो है वो शिमरी में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना कोई भी आप ट्विन केक जो है, ये देखें ये मेरे पास शिमरी पैन केक है, इसको मैं ये माइनर सा अप्लाई करूँगी ताकि एक माइनर सी शिमरी जो है वो इस पर इफ़ेक्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स ये वाली आपकी बेस जो है ये तकरीबन 12 से 15 घंटे तक जो है बहुत इजी ये अप्लाई रहती है और इसमें किसी किस्म का कोई भी जो है पैचेस नहीं पड़ते। आपकी स्किन बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ रहती है और आपका मेकअप जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हमारी फुल हाई कवरेज जो है ये बेस है, बहुत अच्छी बेस है। मैंने इसे ट्राई किया है और मुझे इसके बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑसम रिज़ल्ट मिले हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल फ्यूड एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।